शाहरुख खान ने एक मूवी में डायलॉग कहा था, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और प्यार भी सिर्फ एक बार होता है। प्यार व्यार की बातें तो ठीक है, लेकिन क्या सही में हम सिर्फ एक बार जीते और एक बार मरते हैं? अगर हम आपसे ये कहे कि इंडिया में ही एक ऐसी लेडी है जिनका पुनर्जन्म हुआ था, तो क्या आप हम पर विश्वास करेंगे? बस इतना ही नहीं, द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने भी पब्लिकली ये एडमिट किया था कि ये पुनर्जन्म की कहानी सच है। क्या आप इस कहानी को और डीपली जानना चाहते हैं? तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आज हम बात करेंगे अबाउट शांति देवी, एक ऐसी लेडी जिसने सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के स्कॉलर्स और क्रिटिक्स को सोच में डाल दिया। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ। कहने को तो 3 साल तक वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन जैसे ही वो 4 साल की हुई उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि जिस घर में वो रह रही थी वो उनका असली घर नहीं था। उनका असली घर दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, शांति देवी ने अपने पेरेंट्स को अपने पास्ट लाइफ के हस्बैंड और बच्चे की बातें भी बताई। अब पास्ट लाइफ की बातें तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को इतना डीपली अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए सुना है? शांति देवी ने ये कहा था कि उनके हस्बैंड जो मथुरा में रहते हैं उनकी एक कपड़ों की दुकान थी, वो अपने आप को चौबाइन मतलब चौबे जी की बीवी बताने लगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक बच्चा था जिसको जन्म देने के 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब कोई 4 साल का बच्चा अगर आपको ऐसी बातें बोलेगा तो जनरली आप उसको इग्नोर करोगे। यही हुआ शांति देवी के साथ भी। लेकिन अगर बार बार कोई 4 साल की बच्ची आपको यही बात बोलेगी तो क्या आप उसको इग्नोर कर पाओगे? वो रोज अपने पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स बताते रहती। कभी खाना खाते समय वो कहती कि हमारे मथुरा वाले घर में अलग तरह के स्वीट्स बनते। कभी उनकी मम्मी उनको कपड़े पहनाती तो वो अपने पास्ट लाइफ के फेवरेट ड्रेसेस की बातें करती। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हस्बैंड के 3 यूनिक फीचर्स भी बताए। वो कहती कि उनके पास्ट लाइफ के हस्बैंड फेयर थे, उनके लेफ्ट गाल पे एक बड़ा सा स्पॉट था और वो चश्मा पहनते थे। ये सब शायद एक कोइंसिडेंस हो सकता है, पर उन्होंने जो आगे कहा वो और भी कन्विंसिंग है। उन्होंने कहा कि उनके पास्ट लाइफ के हस्बैंड के मथुरा में कपड़ों की दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने है। करीब 2 सालों से वो ऐसी बातें कर रही थी जिसने उनके पेरेंट्स को चिंता में डाल दिया। वो कंफ्यूज थे कि एक छोटी बच्ची इतने डिटेल्स और इतने स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में कैसे बता सकती है, क्योंकि शांति देवी अपने बचपन के दिनों से ऐसे क्लेम्स करती थी। उनके स्कूल के हेडमास्टर ने सोचा कि वो मथुरा जाके इसका सच पता करेंगे। एंड गेस व्हाट, मथुरा में उन्होंने एक व्यापारी को लोकेट किया जिसकी बीवी लुगड़ी देवी 9 साल पहले एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मर चुकी थी। और इतना ही नहीं, उस व्यापारी में वो तीनों ही यूनिक फीचर्स थे जिसका क्लेम शांति देवी ने किया था। ये सारे फैक्ट्स अपनी आंखों के सामने देखने के बाद हेडमास्टर ने सोचा कि वो केदारनाथ चौबे और शांति देवी को मिलवाएंगे। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट था। केदारनाथ अपने बड़े भाई के रूप में शांति देवी को मिलने गए, लेकिन हमारी शांति देवी भी किसी से कम नहीं। उन्होंने केदारनाथ को ही नहीं बल्कि उनके साथ आए उनके बेटे नवनीत लाल को भी पहचान लिया। अपने पास्ट लाइफ हस्बैंड और बेटे को मिलने के बाद शांति देवी ने चाइल्ड बर्थ से लेके उनकी डेथ तक की सारे इंसिडेंट्स बताए। विद दिस शी गेव अ डिटेल्ड अकाउंट अबाउट ऑल द सर्जरीज शी वेंट थ्रू ड्यूरिंग हर डेथ। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो चुके थे कि एक इतनी छोटी लड़की इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज और प्रोसीजर्स को इतने डिटेल में कैसे बता सकती है। तो कम्प्लीटली श्योर होने के लिए केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से अकेले बात करने की सोची। अकेले में केदारनाथ ने शांति देवी को पूछा कि उनके लास्ट लाइफ में उनको आर्थराइटिस था जिसके वजह से उनका ज़्यादा उठना बैठना नहीं हो पाता क्योंकि उनके जॉइंट्स काफ़ी वीक हो चुके थे, तो इस डिजीज़ के होने के बाद भी वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। इस पर शांति देवी ने केदारनाथ और उनके बीच हुए पूरे इंटरकोर्स को डिस्क्राइब किया। उसके बाद उन्होंने केदारनाथ से ये भी पूछा कि केदारनाथ ने दूसरी शादी क्यों की, जबकि केदारनाथ और शांति देवी ने यह डिसाइड किया था कि वे दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद केदारनाथ वो श्योर कि शांति देवी ही उनकी लेट वाइफ लुगड़ी देवी है। शांति देवी की स्टोरी अब इतनी फेमस हो रही थी कि मीडिया और कई सारे रिसर्चर्स इसको कवर करना चाहते थे, और हो भी क्यों ना, ये 1930s का टाइम था व्हेन इंडिया वाज ऑलरेडी फाइटिंग फॉर फ्रीडम। ये एक ऐसी न्यूज थी जो नेगेटिव नहीं थी अमंगस्ट ऑल द अदर नेगेटिव न्यूज, और इसलिए ये आग जैसे फैलने लगी और महात्मा गांधी जी के कानों पर पड़ी। बाकी लोगों की तरह इवन गांधी जी गॉट क्यूरियस टू मीट दिस लेडी। वो शांति देवी से मिले और उनसे बात करने के बाद
उन्होंने एक 15 लोगों की कमेटी बनाई टू प्रूव दिस पुनर्जन्म की स्टोरी। इस 15 लोगों की कमेटी में काफ़ी नेशनल लीडर्स थे, मीडिया पीपल थे और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे। अभी एक नेशनल न्यूज़ बन चुकी थी और पूरा देश इस न्यूज़ को गौर से देख रहा था। ये 15 लोग शांति देवी को लेकर 15 नवंबर 1935 को मथुरा गए। स्टेशन पर उतरते ही शांति देवी ने एक अनजान आदमी को तुरंत पहचान लिया और कहा कि वो उनके जेठ जी थे। एवरीबडी ऑन द कमिटी वॉज सरप्राइज्ड क्योंकि वो आदमी सच में केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई बाबू राम चौबे था। इसके बाद एक टोंगा ड्राइवर को शांति देवी जी ने खुद की मेमोरी से अपने घर तक का रास्ता बताया और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे क्या क्या नए चेंजेस आए थे। एंड गेस व्हाट, ये सब कुछ सच था। अपने घर पहुँचते ही उन्होंने भीड़ में से एक बूढ़े आदमी के पैर छुए और वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि शांति देवी जी का ससुर था। उन्हें टेस्ट करने के लिए उनसे पूछा गया कि जाजरू कहाँ है, टू विच शी राइटली पॉइंटेड आउट द वॉशरूम। इसी के साथ साथ उनको ये भी पूछा गया कि कटोरा का क्या मतलब होता है, एट विच उन्होंने बताया दैट कटोरा इज अ टाइप ऑफ पराठा। ये सिर्फ दो मामूली वर्ड्स नहीं है क्योंकि ये दो शब्द सिर्फ और सिर्फ मथुरा के चौबेस की फैमिली में यूज किया जाता था। Isn't this shocking? इस घर में पहुंचने के बाद शांति देवी ने सिर्फ इतनी चीजें नहीं बताई, उनके पास्ट लाइफ में वो जिस कुएं में नहाती थी उन्होंने उस कुएं को भी बताया और इसी के साथ साथ उन्होंने उस कमेटी को सेकेंड फ्लोर पर एक स्पॉट के बारे में बताया, एक ऐसा स्पॉट जहाँ पे शांति देवी ने कुछ पैसे रखे थे। जब वो कमेटी उस स्पॉट पर पहुंची तो वहाँ पे उनको एक फ्लावर पॉट जरूर दिखा लेकिन वहाँ पैसे नहीं थे। ये देखकर शांति देवी काफी शॉक हो चुकी थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि उन्होंने पैसे वही रखे थे। उन्होंने कमेटी को इंसिस्ट किया कि वो वहाँ पे ध्यान से पैसों को खोजे और तभी केदारनाथ चौबे ने ये कन्फेस किया कि लुगड़ी देवी की डेथ के बाद उसने वहाँ से सारे पैसे निकाल दिए थे। ऐसे शॉकिंग इवेंट्स अपनी आंखों से विटनेस करने के बाद इस कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। इस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद इस कहानी को दुनिया भर का अटेंशन मिलने लगा। कई पैरासाइकोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स इस पर स्टडी करने लगे, कई लोगों ने इसे सपोर्ट किया और काफी सारे क्रिटिक्स ने इसे नकार दिया। ऐसे एक रिसर्चर इयान स्टीवेंसन, हु इज वन ऑफ द लीडिंग अथॉरिटीज ऑफ रीइंकार्नेशन स्टडीज, ने कहा कि शांति देवी की कहानी बिल्कुल सच है और इतनी डिटेल्स में ऐसी चीजों के बारे में बताना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। एक क्रिटिक स्ट्यूअर लोनर स्ट्रैंड, जब उन्होंने शांति देवी की कहानी सुनी तो उन्होंने इसे फेक डिक्लेयर कर दिया, लेकिन थरो इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि यस, दिस स्टोरी इज कम्प्लीटली ट्रू एंड दिस प्रूव्स द स्टोरी ऑफ रीइंकार्नेशन कि ये एग्जिस्ट करता है। तो ये थी शांति देवी की पुनर्जन्म की कहानी। ऐसी काफ़ी सारी पुनर्जन्म की कहानियाँ आज भी एग्जिस्ट करती है, जैसे सनी ऑफ USA, मजनू ऑफ इंडिया एंड मार्था ऑफ ब्राज़ील। अगर आपको इनके बारे में कुछ भी पढ़ना है, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो शांति देवी के बारे में सुन के आपको कैसा लगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वॉच आउट दिस स्पेस फॉर मोर सच कंटेंट। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलना मत।